नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, लेकिन डीजल की कीमतों की बात करें तो उसमें भी 16 पैसे की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल की बात करें तो वो 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इस समय देश के करीब 17 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इन 17 राज्यों के लिस्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, साथ ही उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल है। आपको बता दें कि एक बार ईंधन में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान है। 40 दिनों में 10 रुपये 87 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है। सुबह 6 बजे ये बदलाव देखा जाता है। वहीं सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। तेल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी, 100 के पार पहुंचा पेट्रोल, महंगाई से आम जनमानस परेशान, महंगाई से देश में मचा हाहाकार, डीजल 90 रुपए के पार, महंगाई की मार, तेल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, 100 के पार पहुंचा पेट्रोल, महंगाई से आम जनमानस परेशान, महंगाई से देश में मचा हाहाकार, डीजल 90 रुपए के पार। और लखनऊ से हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप पर जाकर वहां का जायजा लिया है, तो आइए दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल का रेट आसमान को छू रहा है। इस महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय जो है केकेसी पेट्रोल टंकी पे खड़े हुए हैं, जहां पे लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। हमारे साथ में भाई बात करने के लिए है। भाई आप बता दीजिए, आपका नाम क्या है? किशन। जिस तरीके से तेल और डीजल की महंगाई है, सरकार से आपको क्या उम्मीद लग रही है और क्या कहना चाहिए? क्या कहें सर, महंगा तो है ही है, वो परेशानी तो है ही है, मतलब क्या किया जाए। क्या बचत आपको जो है इस महंगाई से? परेशानी तो बहुत है सर। जी परेशानी। 2022 का चुनाव भी है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि किसका पंचम जो है वो लहराएगा? नहीं सर, इसमें तो महंगाई कुछ जाती ही है। सरकार हमें यह अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं है। सरकार आपको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई? जी जी। तो क्या लगता है असला, आप किसको वोट देना चाहेंगे? सर वोट तो आप समाजवादी को देंगे। समाजवादी पार्टी। इन लोगों का भी कहना है कि इस सरकार से जो है बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है जिसके कारण जो है लोगों का खर्चा जो है वो नहीं चल रहा है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में भी लॉकडाउन से भी लोग परेशान थे, और ऊपर से महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। अरे सर ये बताइए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, इतना किसमें पेट्रोल के लिए कह रहे हैं? डीजल और पेट्रोल और कड़वा तेल, जिस तरीके इसमें जीएसटी, इसमें जीएसटी लगा दो, पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग जो तेल और डीजल और कच्चे तेल की बात करें, वो भी काफी बढ़ा हुआ है, जिसमें लोगों का घर का चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी। वहीं ताज नगरी आगरा से भी हमारी संवाददाता ने पेट्रोल पंप पर जाकर वहां का जायजा लिया, तो आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। देश में लगातार पेट्रोल की वृद्धि को लेकर के देश में लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं, मच रही है। जो वहीं
किस तरह का उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है, तो इसी किसी कड़ी को लेकर के यही सब बातों को जानने के लिए यहाँ हम आ चुके हैं एसआर पेट्रोल पंप पर। यह हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके पेट्रोल की जो वृद्धि हो रही है लगातार दिन पर दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उन पर इनके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम टिंकू तिवारी है। जी जिस तरह से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लगातार दिन पर दिन पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो इससे आपके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? जी मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा सरकार से कि जो ये वृद्धि एक साथ बढ़ाई जा रही है वो बहुत थोड़ा सा सभी आम इंसान हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। एक साथ ये पैसा बढ़ाया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे कि इतनी जल्दी वृद्धि ना करे, क्योंकि सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है एक साथ पैसा बढ़ाने से। जिस तरह से आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, आप बाइक चलाते हैं तो जब से पेट्रोल की जो वृद्धि हो रही है मूल्यों में, तो आपने क्या कुछ कमी कर दी है बाइक को चलाने में? नहीं देखिए जी, ऐसा कमी करने का तो कोई ऐसा वो नहीं होता है, क्योंकि जो काम होते हैं जो जरूरी काम तो सभी को करना है। हाँ लेकिन थोड़ा सा परेशानी तो हो रही है, सरकार को इतनी जल्दी बढ़ोतरी करना बहुत उचित नहीं है। जिस तरह इन्होंने हमें बताया यहाँ एक ग्राहक मौजूद है कि किस तरह से दैनिक जीवन पर इनके पर असर पड़ रहा है, हालांकि इनको जाना भी पड़ रहा है अपने काम के लिए, क्योंकि बिना गाड़ी के अपना ये कार्य कर नहीं सक रहे हैं, तो जाना तो पड़ रहा है, पेट्रोल भी डलवानी पड़ रही है। और यहाँ हमारे साथ एक और ग्राहक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम सिंह। सर जिस तरह से लगातार पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि हो रही है, आपके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? जो सर जी पड़ता है कि जो इतनी कमाई है नहीं, और पेट्रोल जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, तो इसलिए मतलब कि पेट्रोल बढ़ाई जा रही है जी, गलत बढ़ाई जा रही है जी, गलत बढ़ाई जा रही है जी, इतनी होनी नहीं चाहिए, अनुचित है जी। जिस तरह इन्होंने बताया कि जो वृद्धि हो रही है वो अनुचित है, साफ तौर से इन ग्राहकों का कहना है कि जो पेट्रोल की वृद्धि हो रही है वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, काम धंधे ठप कर दिए। मेरे साथ एक युवा मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल की वृद्धि को लेकर इनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राममोहन उपाध्याय है। अच्छा जी, जिस तरह की पेट्रोल की वृद्धि लगातार दिन पर दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है कि किस तरह का ये? हमारा तो ये कहना है कि पेट्रोल पे वो की जाए, अपने हिसाब से कम की जाए, और लोग बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से, रोजगार नहीं है और काम धंधे पे भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है मामला। तो ये हमारे साथ एक युवा भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि पेट्रोल की वृद्धि को लेकर के कितने लोग परेशान हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, हालांकि कोई छोटे मोटे काम के लिए इन्हें निकलना भी पड़ता है घर से बाहर, तो गाड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, लेकिन मजबूरन ही पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन इनके जो दैनिक जीवन है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े और साथ में हमारे संवाददाता शमशाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की अगर बात करें तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के लगातार दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, आज की बात करें कितना उछाल आया है दामों में? पेट्रोल के दाम में लगातार पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह साफ है कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मेन वजह वही होती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल की वृद्धि होती है तो देश में पड़ती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जानने वाली होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो क्या कहते हैं इसका ब्याज मिलता है, जो इसका प्रतिशत जाता है वो कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट होता है। अगर केंद्र की बात करें तो 21% जीएसटी में इसका फायदा केंद्र सरकार को मिलता है, वहीं राज्य सरकार को इसका 25% फायदा मिलता है। तो अगर देखा जाए तो सरकार क्या है तो उनके पास 46-48% होता है कि जो ये माफ कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें तो आज 98 रुपये समथिंग हो गया है पेट्रोल का दाम, 101 रुपया पावर पेट्रोल है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है जो लोग आम जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों से सीधा असर आम जनता पे पड़ता है या रोजगार करने वाले लोगों पर पड़ता है। जी हमारे साथ शमशाद भी जुड़े हैं, तो शमशाद आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से एक बार फिर से लखनऊ में डीजल पेट्रोल में फिर से दामों में इजाफा हुआ है, लोगों पर कितना असर पड़ रहा है इसका? जी आपको बता दें जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है वो लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत आदमी को गाड़ी की है,
क्योंकि दूरी जब तय करता है तो वो गाड़ी जरूरी है उनके लिए, और गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी है। पेट्रोल की इस महंगाई के वजह से लोग कहीं लंबा सफर नहीं कर पा रहे हैं और काफी लोगों को जो है इससे दिक्कतें भी पैदा हो रही, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी थी और लॉकडाउन लगा हुआ था जिसमें लोगों की जो है आमदनी वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही। अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उसको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के रेट जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कम करने का उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल शमशाद, जिस तरीके से एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लॉकडाउन था, हालांकि आवागमन की बात करें तो कहीं ना कहीं कम था, लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन भी खुल चुका है, आवागमन फिर से एक बार शुरू हो चुका है, ऐसे में जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरीके से जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हुए हैं उसको देखते हुए जो है कच्चे तेल की भी कीमत बढ़ी हुई है, क्योंकि जो खाने के लिए तेल को इस्तेमाल किया जाता है उसका भी जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को खाने की जरूरत जो है बहुत ज्यादा पड़ती है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतें जो है वो पैदा हो रही हैं और समस्या का जो है हल अभी तक सरकार की तरफ से नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सरकार ऐसा करती है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए जो लगातार चाहे वो ईंधन के दाम हो, तेल के दाम हो, लगातार इनमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए जो दरें हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है, क्या लगता है कहां तक आम जनता इसकी मार झेलती रहेगी? बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी कहा जाए सरकार का कि एक कोरोना ऐसी महामारी से देश गुजरा है, वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार इसी एजेंडे पर आई थी कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे, तो आम जनता को कहीं ना कहीं एक बरगलाने की बात होती है जिसको लेकर तमाम विपक्ष पार्टियां भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा ड्रॉबैक है कि पेट्रोल डीजल के दाम में इस ऐसे बुरे वक्त में जबकि कोरोना जैसी महामारी बीती है तो सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए, और इस तरह से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आम जनता को और बिल्कुल आम जनता के साथ साथ जिस तरह से पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते जा रहे हैं किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसान ही नहीं हर वर्ग परेशान होता है, क्योंकि एक बड़ा दायरा जो है पेट्रोल डीजल माध्यम, किसान को ट्रैक्टर चलाना है, खेती करना है, सामान आना है, खाद आने हैं जाने हैं, तो हर आदमी कहीं ना कहीं व्यवसाय से इससे जुड़ा हुआ है पेट्रोल डीजल का दाम। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो सामान है उनके भी दाम बढ़ेंगे, आपका क्या कहते हैं बीज के दाम बढ़ेंगे, तमाम ऐसी चीजें दिक्कतें सामना करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं हर आदमी को प्रभावित करता है पेट्रोल डीजल का दाम। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकिल जुड़ती चली जा रही है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं आम जनता इससे परेशान है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें लगातार उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोडवेज के किराए बढ़ते हैं, एक बड़ा पैमाना होता है जो आदमी अप डाउन करता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तमाम ऐसे व्यवसायिक गाड़ियां चलती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसका भार बढ़ेगा तो आम जनता के माथे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये जल्द से जल्द कम होना चाहिए, इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल शमशाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई दरें लगाकर जो पेट्रोल डीजल की दाम है उनमें इजाफा किया जाता है, कौन कौन से टैक्स इसमें जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल जो है जरूरतमंदों को पहुंचना चाहिए, तो जो ट्रेवल्स के काम इस समय जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं ठप हो चुके हैं, क्योंकि जो दूरी करने वाले जो ट्रक हैं और जो ट्रेवल्स की गाड़ियां होती हैं बुकिंग पे चलने वाली वो भी कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है, और आपको बता दें कि जो इसकी जो महंगाई है वो कहीं देखने को मिल रही है, लोगों के बीच में दिक्कतें भी बहुत ज्यादा जो है पैदा हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट से ही जो है लोगों को जो है समस्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, बात की जाए अगर पहले की सरकार लगातार कहीं ना कहीं एक मुद्दा था महंगाई का,
हालांकि सरकार आई उसके बाद महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पर अपनी पहुंच चुकी है। लगातार एक ही जनता का सवाल रहता है कि 100 रुपए तक पेट्रोल अगर पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं इसके आगे ना बढ़े, लेकिन क्या लगता है कहां तक ये इजाफा देखने को मिलेगा आम जनता को? जी आपको बता दें, जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं 100 के पार जो है वो तेल भी नजर आएगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ में इस समय जो तेल की कीमत है वो जो है 98.29 हो गई है, और डीजल की बात करें तो वो 82.87 रुपए में जो है डीजल भी हो गया है। और जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये धरना प्रदर्शन आए दिन जो है महंगाई को लेके कर रही है, मगर सरकार को ये देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग और जनता किस तरीके से परेशान है महंगाई को लेके। इसको कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, और इस डीजल पेट्रोल के और कच्चे खाने के तेल को जो है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी एक एजेंडा था कि लगातार महंगाई बढ़ती गई कम करने को लेकर आया गया, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है इससे आम आदमी पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अगर बात की जाए बजट की तो वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता चला जा रहा है। बजट जो है जिस तरीके से सरकार ने पेश किया था वो कहीं ना कहीं बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो वादे जो है सरकार ने कहा था 35 रुपए लीटर जो है डीजल पेट्रोल देंगे सर जनता को, वो नहीं देखने को मिल रहा है जी। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई गई है उसको देखते हुए उनके वादे जो है वो झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादे करे थे वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं जी। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो भी प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी का प्रदर्शन भी आज लखनऊ में देखने को मिला, हालांकि सपा भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, तो क्या लगता है कहां पर ये जाकर रुकेगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप शुरू से जानती होंगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो उनका बड़ा एजेंडा दो हुआ करता था, महंगाई और दूसरा राम मंदिर। तो राम मंदिर का मुद्दा तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा था उसमें सरकार टोटल फेलियर है, क्योंकि लगातार कोरोना जैसे महामारी के बाद से पेट्रोल का इस तरह दाम बढ़ाना तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा ड्रॉबैक है। और देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगभग अगर एक जांच एजेंसी ने अभी क्या कहते हैं इसका वो निकाला है कि 50% तक जो टैक्स का फायदा है वो सरकार को मिल रहा है। तो ऐसे में इस बुरे दौर में सरकार को सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम। मैंने आपको बताया था 21% केंद्र सरकार को और 25% राज्य सरकारों को फायदा होता है, तो कुल मिला के देखा जाए अगर केंद्र और राज्य में आती की सरकार है तो 50% टैक्स का फायदा सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता एक बुरे दौर से गुजरी है, तो इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इस बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, बात की जाए अगर बेस प्राइसेस की और जो नॉर्मल प्राइसेस जाते हैं पेट्रोल डीजल के, तो उनमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है, आपको पता होगा कि महज मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर करीब 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है डीजल के दाम में, वहीं पेट्रोल के दाम 100 से पार हो गए। जो कयास लगाया जा रहा था जिस समय 80 रुपए पेट्रोल के दाम थे वो आज 100 रुपए पहुंच गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 101 रुपए पेट्रोल के दाम है, 98 रुपए डीजल के दाम है, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, ऐसे 17 राज्य प्रभावित हैं, तो देश में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं घरेलू गैस की बात कीजिए तो उसमें भी बढ़ोतरी, तो सरकार कहीं ना कहीं से इन सब चीजों पे अपना फोकस नहीं कर रही है जो बड़ी मुद्दे हैं। जी शमशाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि इस समय देश के करीब 17 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, क्या कुछ कहना है? हाँ, कीमत तो 100 रुपए के पार पहुंच गई है, जिससे जो है हमको तो ये भी आपको बता दें कि जिस तरीके से कई राज्यों में जो है 100 के ऊपर की कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, वही देखने को राजधानी में भी मिल रहा है कि ये कीमत जो है यहाँ भी 100 के पार जाने को मिलेगी। और बात करें जनता की, तो जनता का साफ कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था वो वादे जो है नहीं पूरा कर पा रही है, और तेल और पेट्रोल जो है जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, तो गैस भी जो है काफी महंगाई बढ़ती नहीं, क्योंकि फ्री गैस बांटी गई थी लोगों को, घर घर सिलेंडर दिया गया था, मगर उनके पास उतनी कीमत नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा के अपने घर का चूल्हा जला ले। कितना परेशान है आम आदमी इससे?
आम आदमी बहुत परेशान है। आपको बता दें कि आम आदमी से हमने पूछताछ भी करी, पूछा भी उनसे, तो उनका कहना साफ है कि ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो हमको बंद कर दिया जाएगा। मगर अंदर से उनका यही कहना है कि हमको ये सरकार नहीं चाहिए, अब पहली बार सपा पार्टी को चुनाव देंगे, सपा को जो है जिताएंगे, क्योंकि इस सरकार से उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि शमशाद जिस तरह से चुनाव के दौरान देखा जाता है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से वोट देते हैं, कहीं ना कहीं बात अगर महंगाई को लेकर करी जाए तो ऐसा मुद्दा उठाया जाता है कि महंगाई को कम कर दिया जाएगा। वहीं अगर अब देखा जाए तो जैसा कि बताया कि 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है, बात करें राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लोग कितना ज्यादा इससे परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक लोग कोविड से परेशान थे, हालांकि जैसे कम केसेस हुए, लॉकडाउन खुला, तो अब लोग बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है इसकी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं ना कहीं काफी टाइम लॉकडाउन लगा है जिससे लोगों की कमाई नहीं हो पाई है। अब लॉकडाउन खुला है, उसमें भी सप्ताह जो है लॉकडाउन बंदी है, जिसको देखते हुए 5 दिन आदमी जो है काम के लिए जाता है मगर वो उतनी कमाई नहीं कर पाता है जिस तरीके से वो अपना घर का खर्चा चला सके, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी मदद नहीं मिल रही है जिससे लोगों को जो है तसल्ली हो। क्योंकि जो है लोग जो दूर जाने वाले हैं वो जाहिर सी बात है कि अपनी गाड़ी से जाएंगे, पेट्रोल डला के जाएंगे, जब वो सारा पैसा पेट्रोल में डाल देंगे तो वो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा उनके पास। इससे भी लोग बहुत परेशान है क्योंकि काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुकी है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ चुकी है। काम के लिए लोग जो स्टूडेंट हैं वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, उनके ऊपर लाठी भी चार्ज होती है, उन्हें बंद भी कर दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। तो सरकार कहीं ना कहीं से इससे जो है परिचय नहीं है और ना लोगों की जो है समस्या को दूर करती हुई नजर आ रही। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शमशाद ने बताया कि कहीं ना कहीं कोविड के दौरान लोग परेशान थे, बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छीन लिया गया, और ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लोग निकलना शुरू कर रहे हैं, ऐसे में किस तरह से देखा जाएगा इस चीज को? बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में देखा जाए तो पिछले 2 साल में कोरोना में ऐसे ही आम जनता की कमर तोड़ रखी है। बिल्कुल, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, लोगों का व्यवसाय, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई ट्रेवलर गाड़ी चलाता है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को दिक्कत दे रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे वक्त बढ़े जब बीच बीच में कभी मौका मिल रहा है, जो आदमी व्यवसाय से ऐसे भी परेशान हो चुका है, जो तंगी के दौर में लोग चल रहे हैं, चाहे वो पटरी दुकानदार हो चाहे सामान्य दुकानदार हो, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम क्या कहते हैं जो भी प्रोडक्ट वगैरह आदमी यूज करता है, हर चीज में रेट बढ़ता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज है जिससे आम जनता का रोजमर्रा का जीवन चलता है, तो इसमें पेट्रोल डीजल के दाम पे सरकार को जरूर से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप शुरू से ही इस मुद्दे पे आए थे कि पेट्रोल डीजल के मुद्दे पे उन्होंने तमाम धरने प्रदर्शन किए, अगर आम जनता आपको इस क्या कहते हैं नीति के लिए अगर आपको लाई है क्या कहते हैं सरकार में, तो आपको इन सब चीजों को ऐसे बुरे दौर पे नहीं करना चाहिए, साथ में रेटों को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से बंगाल के चुनाव में देखा गया कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में वहां पर कम कर दिया गया, तो क्या लगता है यूपी का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि अब लोगों को क्या चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का एक मोटो होता है कि किसी चीज में किसी चीज के फूल दे के फिर अचानक इलेक्शन के टाइम आया तो उसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, भर्तियां शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं एक बरगलाने का तरीका ही कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो समय अभी है, जो अभी चुनाव 2022 में है, जो अभी मुख्य समय है कि जो आज की जनता इस समय कोरोना से उठी है, जो एक लंबे समय से अपना जेब ढीला कर चुकी है, अब वो चाहती है कि हम कुछ आगे बढ़े या काम धाम करें, ऐसे में ये पेट्रोल डीजल की मार उन पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव डालती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने इस एजेंडे को बदलना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दामों पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इसका निस्तारण करना चाहिए। जी तो शमशाद, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है लोगों के मन में बस एक सवाल है अभी इस वक्त की, कब इस महंगाई से लोगों को निजात मिल पाएगा? आपको बता दें जिस तरीके से सपा की सरकार जब थी तो भाजपा पार्टी के कई बड़े नेता महंगाई को लेकर सड़कों पे उतरते थे,
और जो है धरना प्रदर्शन करते थे, वहीं आज भाजपा की सरकार बनी हुई है जिसमें महंगाई बढ़ी हुई है, अगर भाजपा के किसी भी नेता से इस महंगाई को लेके बात करते हैं तो वो साफ जवाब दे देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो कहां गए? जनता भी यही जानना चाहती है कि जब इलेक्शन पास में आता है तो कुछ चीजें उनकी सुविधा के लिए दे दिया जाता है, कुछ राशन दे दिया जाता है, कुछ तेल और डीजल में जो है कम कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जब इलेक्शन जीत लिया जाता है फिर वो वादे वो भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी बहुत गुस्से में है, और 2022 के चुनाव को जब आएगा तो किसका परचम लहराता है ये भी देखने की बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार महंगाई बढ़ती गई और किस तरह से लोगों पर इसका खास असर देखने को मिला है, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, लेकिन डीजल की बात करें तो वहां पर भी 16 पैसे की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई, डीजल की बात करें तो वो 89 रुपए 72 पैसे पहुंच गई है। इस समय देश के करीब 17 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इन राज्यों की लिस्ट में 17 राज्य इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। और साथ ही बार बार ईंधन में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।